वेलकम बैक बेंचर्स। और आज का टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है, फिजिकल क्वांटिटीज। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेट कर लो, अभी आप लेक्चर ले रहे हो, आसान से समझा दो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अभी आप लेक्चर ले रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ आपको कितना टाइम लगे लेक्चर लेते हो, आप कहते हो 5 मिनट। तो क्या टाइम मेजर हुआ? आपने कहा ना 5 मिनट, ठीक है। तो टाइम क्या होगा? मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। मैं कहता हूँ आप घर से स्कूल तक जाते हो और आपका फासला कितना है, डिस्टेंस कहते हो, आप मुझे लेंथ बताते हो कि यार वो जो है हम कर लेते 1 किलोमीटर। तो क्या लेंथ आपने नापी? बिल्कुल नापी। तो लेंथ क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो ऐसी तमाम चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्लियर हो गया? ओके। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया, कुछ को हमने बेस कह दिया, कुछ को हमने ड्राइव कह दिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी पे। अब मैंने अगर ये बोर्ड ही की अगर ये वाली साइड की लेंथ निकालनी है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये 5 मीटर अगर इसकी लेंथ है ना, लेट कर लिया हमने, 5 मीटर लेंथ है। तो ये लेंथ क्या होगी? लेंथ क्या होगी मेरे पास? लेंथ आपने मेजर किया ना कि 5 मीटर, लेंथ क्या कहलाएगी? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर? अच्छा, मुझे ये लेंथ निकालते हुए 5 सेकंड लगे, तो जो 5 सेकंड लगे वो क्या था? वो टाइम था, ठीक है। तो टाइम क्या होगा मेरे पास? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अभी ये जो रूम, इस वक्त इस रूम में जो टेम्परेचर है वो 31 सेंटीग्रेड, क्या मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल मेजर कर सकता हूँ। तो टेम्परेचर भी क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अगर तो मैं इस बोर्ड का एरिया निकालू, ठीक है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया से हमेशा कहते हैं पूरा हिस्सा, जो घेरा हुआ हिस्सा होता है, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। अगर ये निकाल लो, अगर इसकी ये वाली साइड, ये लेंथ 5 मीटर है और ये वाली हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इस एरिया के अंदर इसका फॉर्मूले पुट करेंगे, 5 मीटर यहाँ पुट कर दूंगा और 8 मीटर वहां पुट कर दूंगा, तो 85/40 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और मीटर मीटर मल्टीप्लाई, दोनों बेस जब भी एक एक चीज सेम होती है, जब वो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या निकाला मैंने? एरिया निकाला। अब एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्यों? देखो एरिया निकल आया ना, हमने ये इसके अंदर वाला हिस्सा निकाल लिया ना, एरिया निकाल लिया, तो एरिया भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम उसको ड्राइव में जो है हमने उसको डाला था, वो क्यों, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल ये समझाने के लिए कि जितनी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, जितनी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है, इजी सिंपल। अच्छा, फिर एक चीज और है हमारे पास, कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो चीजों पर कंसिस्ट करती है, ठीक है, दो चीजों पर। नंबर वन, हमारे पास एक तो ये करती है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू पे, किस पे करेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू पे करती है, ठीक है। दूसरी हमारी ये किस चीज पे कंसिस्ट कर रही होती है? यूनिट पे कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, दो चीजों पे होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक मैग्नीट्यूड। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या? कोई भी नंबर। अभी अगर मैंने एरिया निकाला है, एरिया के अंदर क्या बड़ा है? 40 एक नंबर पड़ा हुआ ना, इस नंबर से ही लफ्ज न्यूमेरिकल निकला, ठीक है। तो 40 एक नंबर है, तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसमें नंबर भी होगा और उसमें यूनिट भी होगा। अभी 40 क्या एक नंबर है, तो मैं इसको कहूंगा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू को फिजिक्स में एक और नाम देते हैं जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये बार बार आएगा लफ्ज, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं यूज करते, वो मैग्नीट्यूड लफ्ज यूज करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ये नंबर जो पड़ा हुआ 40, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमेशा कोई ना कोई यूनिट भी होगा। यूनिट हमें ये बता रहा होता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये देखो, ये मीटर यहाँ क्या पड़ा हुआ? मीटर। तो मीटर क्या बता रहा है? ये मेरे पास एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। मीटर स्क्वायर बल्कि मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है मेरे पास यहाँ पे एरिया पड़ा हुआ है। और ये मुझे अगर ये एरिया निकालते हैं कितना टाइम लगा, मैं कह देता हूँ मुझे 10 सेकंड लगे, ठीक है। कितना लगे? 10 सेकंड लगे। अब देखो ये 10 सेकंड क्या बता रहा है? 10 मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये सेकेंड हमें बता रहा है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। वेल डन, गुड टाइम, ठीक है। तो ये यूनिट है, ये क्या था? ये यूनिट है जो मैंने कहा दो चीजों पे होता है। और ये मेरे पास क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो बस यही है, इस लेक्चर का एंड यहीं पे करता हूं मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे कि हमने मजीद फिजिकल क्वांटिटीज को बेस और ड्राइव में डिवाइड किया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखते हैं कि हमने उनको किस तरह डिवाइड किया। #peaceout, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।